तो यहाँ पे न्यू लेने के बाद हमने यहाँ से क्लिक किया और कंटेंट कर दिया। अब जैसे मैं आपको कह रहा था दो तीन वीडियोस एक साथ चले, तो वो किस तरह से कह रहा था, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और यहाँ से वीडियो पे क्लिक करें और दिस वीडियो पे क्लिक करें, ठीक है। और आपके पास वीडियोस होनी चाहिए जो आपने इसके अंदर ऐड करानी है, तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चले गए और यहाँ से हम चले गए वीडियोस के अंदर, ठीक है। और वीडियोस में जाने के बाद ये तीन या चार वीडियोस मैंने इसके अंदर ऐड कर ली, लेकिन ये एक साथ नहीं हो सकती है, एक एक करके करना पड़ेगा। एक इसको ऐड कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और इसको इस तरह से छोटा कर लिया, क्लिक किया फिर यहाँ से इंसर्ट में जाके और क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया वीडियो के ऊपर और फिर दिस डिवाइस कर दिया। फिर यहाँ से दूसरी वीडियो ले ली, सपोज तो भी ये तो ऐड करा ली, फिर दूसरी ये ले ली हमने और फिर इस तरीके से इसको नीचे करके यहाँ पर रख लिया, और फिर तीसरी वीडियोज़ जो है वो हमने यहाँ से इस तरह से ले ली, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके हमने इस तरह से इसको रख लिया। तो तीन वीडियोस चार वीडियोस जितनी लेनी है आप इसके अंदर ले लें और वीडियोस को इस तरह से रख लेते हैं। अब इन सारी वीडियोस का साइज एक रखना है, तो शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट कर लिया और क्या रखनी है इसकी विड्थ, फॉर एग्जाम्पल 4 रख के देखते हैं, तो ये सारे 4 सेंटीमीटर के हो गए, 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, सब 10 सेंटीमीटर के हो गए। ऐसे 10 भी वीडियोज होंगी तो वो एक साथ एक साइज की हो जाएंगी, 7 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये सेट रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि इस वीडियोज कुछ ऐसे चलें कि यहाँ पे रखें एक को, दूसरे को रखें यहाँ पे, और इसके साथ ऊपर ही आ गया, तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इनको शिफ्ट करके, वीडियो फॉर्मेट प्लेबैक और यहाँ पे जाके 7 सेंटीमीटर से कम करके इसको हम कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडजस्टेबल हो गया, इस तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे तीन किस्म के हमारे पास वीडियोज हैं, वो यहाँ पे आपने लगा दिए। अब सिंपली आपने क्या करना है कि अब तीन पे इफेक्ट लगाने हैं, तीन पे तीन तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट हैं। जैसे इस पे क्लिक करके हम एक एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं, पहले तीनों पे क्लिक करके हम सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक पे सारे प्ले होंगे ऑटोमेटिकली। अगर इनको फ्रेम्स वगैरह लगाने हैं तो इनको अलग से फ्रेम लगा दें, जैसे इसको ये फ्रेम लगा दिया, इसको ये वाला फ्रेम लगा दिया, इसको ये वाला फ्रेम लगा दिया, तो इस तरह से फ्रेम्स भी हम डिफरेंट लगा सकते हैं इस तरह से। इसको फिर इस तरह इसका जो फ्रेम होगा वो फिर इस तरह का लगा दें इसके ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके ये इस तरह का फ्रेम लगा दें ताकि ये इस तरह से बिखरे हुए नजर आए, थोड़ा सा फ्रेम में भी अच्छा लगता है, ये इस तरह से आ जाता है। अभी हम स्लाइड शो करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, तो स्लाइड शो जिसे हमने किया इसका, तो इस पे क्या हो रहा था, एक वीडियो प्ले हुई और दो अभी पास है, ठीक है, और नजर तीनों आ रही है। अब हमारी चॉइस क्या है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ऐसे चाहते हैं, इसको कंट्रोल डी कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, भाई एक प्ले हो फिर दूसरी फिर तीसरी और तीनों विजिबल हो, तो उस पे ये करना पड़ेगा हमें जाके इसके एनिमेशन में नहीं बल्कि प्लेबैक पे जाके, इसको भी ऑटोमेटिक कर रखा है, इसको भी ऑटोमेटिक कर रखा है, इसको भी ऑटोमेटिक कर रखा है, फिर एनिमेशन में जाके यहाँ से एनिमेशन पेन से हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो पहला क्या है, फिर दूसरा क्या है, फिर तीसरा क्या है, एक के बाद एक करना है। तो इसको आप रखेंगे सपोज टू बी ये वाली जो वीडियो है, इस पर क्लिक करके इसको करेंगे विद प्रीवियस कर देंगे, ठीक है, और फिर इस पर क्लिक करके इसको कर देंगे आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, और फिर इस पर क्लिक करके कर देंगे इसको आफ्टर प्रीवियस कर देंगे। अब होगा ये कि तीनों वीडियोज प्ले होंगी और एक के बाद एक रहेंगी, लेकिन स्क्रीन जो है इसकी विजिबल रहेगी सामने। तो यहाँ से प्ले हो गई, इस पर क्लिक कर लेते हैं और पॉज हो गई, अब वो दूसरी एंड हो गई, तीसरी शुरू हो गई, पहली एंड हो गई, दूसरी शुरू हो गई, ठीक है, अब ये दूसरी एंड हो जाएगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक तो स्टेप ये हो गया इसका, दूसरा स्टेप क्या है, तीनों वीडियो एक साथ प्ले हूँ, जैसे शीता की चल रही थी, तो तीनों को क्लिक करके हम क्या कह देंगे विद प्रीवियस, और उसको भी कह देंगे विद प्रीवियस, और उसको भी क्या कह देंगे विद प्रीवियस। तो एक तो सिंपल सा इफेक्ट हम ये दे सकते हैं, तो अब तीनों एक साथ प्ले होंगी, वेदर जो भी इनका ड्यूरेशन और होगा मामला वो इस तरह से परफॉर्म होगा, ठीक है। अक्सर ऐसे ही आप बहुत सारे टुकड़े लगा के भी एक वीडियो बना सकते हैं, आपने देखा होगा इस तरह का कुछ ऐड या कुछ इस तरह का वीडियो बना रहे होते हैं, तो ये काम भी ऐसे कर सकते हैं, छोटे छोटे से पीस ले मुख्तलिफ वीडियोज के, यानी कि जैसे एक फिल्म के 6 सॉन्ग हैं, 6 सॉन्ग के छोटे छोटे वीडियो लगा के तीनों इस तरह से प्ले कर दिए, या एक किसी भी कॉन्सर्ट के 6 वीडियोज से अलग अलग लगा दिए, उधर वो चल रहा था चले, हाँ इस तरह के मामला कर दिए। अब इसी चीज को हम ऐसे चाहते हैं कि एक वीडियो प्ले हो और फिर वो गायब हो जाए, दूसरी आ जाए, वो गायब हो जाए, तीसरी आ जाए, फिर क्या करेंगे, हाँ इंट्रेस और एग्जिट एग्जिट कराएंगे उसमें। लेकिन अब इस पे देखो, इस पे कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एड में जाके यहाँ पे इसको करेंगे एड विजिबल और एड इसको करेंगे एड एग्जिट, ठीक है, फेड आउट कर देते हैं, ठीक है। अब ये तीन इफेक्ट हर किसी के साथ रखने हमें, अब ये तीन देखिए इसके साथ अरेंज कैसे होंगे, भाई ये वाला पहले टॉप पे जाएगा, फिर ये उसके सेकंड पर आएगा, अभी क्लिक करें इसका 1 2 3, तो पहले इसका होगा विद प्रीवियस, फिर इसका होगा आफ्टर प्रीवियस, फिर इसका होगा यहाँ से आफ्टर प्रीवियस। अब सेम सिचुएशन इसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है, तो आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पेंटर लेना है, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पेंटर लेना है, इस पर क्लिक कर दें, सही है। अब देखिए क्या होता है,
तो दो असाइनमेंट कितनी देर में बन गए? 2 मिनट में बन गए। आपको कितनी देर लगी? आपको कितना टाइम लगा था बनाने में? 3 घंटे। और कितनी देर में हो गया काम ये? 2 मिनट में। वीडियो ढूंढने के अलावा बनाने में कितना टाइम लगा? चलो आधा घंटा लगा होगा, अभी फिर भी 2 मिनट में हो गया, ठीक है ना? सेटिंग करने में टाइम लगा। नहीं तो वही तो सिखा रहा हूँ आपको मैं, कि मैंने 2 कॉन्सेप्ट कहे थे, दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे बन जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई वो बनता है एक वीडियो के बाद दूसरी चले, दूसरे के बाद तीसरी चले, वो एक सीक्वेंस में चले, हमें लगे कि एक के बाद दूसरी चल रही है। उस काम में क्या करना होगा? उस काम में हमें ये करना होगा, होम में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से कहेंगे वीडियो, इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल्स में वीडियोस में जाएंगे और 30 वीडियो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें 3 वीडियोस चाहिए, 3 तो एक साथ नहीं आ रही, 1, 2, 3 पहले ये ले लेते हैं, एक फिर इंसर्ट में जाके एक और ले लेते हैं, अच्छा ये मैं अपने कंप्यूटर से ले रहा हूँ, ऑनलाइन यूट्यूब से भी ले सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है, ठीक है? अगर इंटरनेट, अच्छा ये वीडियो 3 घंटे लग गए आपको मिलने, ये नहीं मिल रही थी वीडियो, उसको भी बताता हूँ ये वीडियो कहाँ से मिलती है, ठीक है? तो अभी समझाता हूँ, वो जो सारा मसला है ना अभी कराता हूँ। अब आ जाइए, 3 वीडियोस हमने यहाँ पे लगा दी, आप 3 लगाएं, 30 लगाएं, 40 लगाएं, आपकी मर्जी है, मैंने तीनों को ऐसे ऐसे अलग अलग कर दिया है, सही है? अब इस पर क्लिक किया हमने, सबसे पहले क्या करा, अब क्या करना है, अब ये करना है कि भाई ये एक के बाद एक वीडियो प्ले होगी, एक के बाद एक वीडियो प्ले होगी, तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे तीनों वीडियो सेलेक्ट हो गई और तीनों को मैंने यहाँ पे करके कर दिया सपोज टू बी कहाँ गया वो प्लेबैक ऑटोमेटिक, ठीक है? ऑटोमेटिक हो गई, सही है? अच्छा, ऑटोमेटिक होने के बाद अब करना ये है, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, अब हम चाह रहे हैं कि पहले एक वीडियो प्ले हो, फिर दूसरी हो, फिर तीसरी हो, तो इसमें बहुत आसान है, बस ऑटोमेटिक कर दिया इसको, तो इसको एक के ऊपर उठा के इस तरह से एक रख दें, ठीक है? और स्लाइड शो कर दें इसका, ये मैशअप बन गया, जो वीडियो सॉन्ग्स के मैशअप्स होते हैं ना वैसे बन जाते हैं, ठीक है? क्या हो गया, ऑटोमेटिक नहीं हुआ क्या? देख लेते हैं इसको एक मिनट, ये तीनों का देखते हैं, ये किसका है, एनिमेशंस आफ्टर प्रीवियस पे, अच्छा पहला वाला हम रखेंगे, अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे पहला वाला कौन सा है, क्योंकि मैंने नाम नहीं रखे इनके, पहला वाला कौन सा ये है, इसको करेंगे विद प्रीवियस और इसको करेंगे आफ्टर प्रीवियस और इसको आफ्टर प्रीवियस और फिर से उठा के इनको एक जगह पे सेट कर देंगे, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आ गया इसके ऊपर और ये आ गया इसके ऊपर, अच्छा शायद ट्रांजिशंस नहीं लगी हुई, इस वजह से भी कुछ मसला हो सकता है, ट्रांजिशंस को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑन माउस क्लिक कट आगे इस पर रख लेते हैं, अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, तो 1, 2, अच्छा ये बार बार जैसे ऐसे मसला भी होता है ना, इसका भी तरीका मैंने आपको बताया था, होम में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे सिलेक्शन पेन में, बार बार मुझे अलग अलग करना पड़ रहा है, तो इस बच्चे से अब ये मुझे पहले चलानी है, तो मेरी वीडियो है, तो इसको डबल क्लिक करके मैंने नाम रख दिया V1, ठीक है? और दूसरे नंबर पर ये वाली चलानी है, तो इसका नाम मैंने रख दिया V2। अच्छा अभी अभी पूछते हैं, और इसका नाम मैंने रख दिया V3, ठीक है? अब देखें इसकी सेटिंग सही है, और इस पर क्लिक करें, प्लेबैक पे जाते हैं, ऑटोमेटिक है, ठीक है? और ये भी ऑटोमेटिक है और ये भी ऑटोमेटिक, सही है ना? अभी सेट कर दे, अब चलने चाहिए नहीं चलनी चाहिए, हाँ यही यही बात मैं समझना चाह रहा था, ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं है ये, ब्रिंग फॉरवर्ड होगा V1 वाला और V2 वाला उसके नीचे आएगा, तो इसको करेंगे पहले ब्रिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये आ गया 2 पे और ये आ गया 3 पे, तो 3 वाला सबसे नीचे जाएगा इस तरीके से और 2 वाला उसके ऊपर अरेंज हो जाएगा, और 3 वाला उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन नाम रखने से देखें कितनी आसानी हो गई आपको, अब समझ में आ रहा है V1 कौन सा है और V2 कौन सा है और V3 कौन सा है, तो ये इस तरह से चल जाएगा। ये रुक गया, नेक्स्ट पे नहीं गया, अब हाँ अब इसके अंदर वही हमें इफेक्ट देना पड़ेगा, फेड इन फेड आउट वगैरह के इफेक्ट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो तीनों को सिलेक्ट कर ले, तीनों को एक साथ दे दें, या पहले एक को दे दें फिर बाकी उस पर तो वैसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको एक इफेक्ट देंगे यहाँ पे एड एनिमेशन में जाके,
इसको हम देंगे अपियर और दूसरा हम इसको देंगे डिसअपियर. तो दूसरे अपियर यहाँ पे मिलेगा डिसअपियर. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे V1 के जो तीनों इफेक्ट हैं, अपियर पहले आएगा और डिसअपियर उसके बाद आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा विद प्रीवियस हो जाएगा और ये उसके आफ्टर प्रीवियस हो जाएगा और ये उसके बाद क्या हो जाएगा आफ्टर प्रीवियस हो जाएगा. ठीक है ना, इसके ये तीनों इफेक्ट यहाँ से लेंगे, फॉर्मेट पेंटर से इस पर क्लिक करेंगे और फिर यही तीनों इफेक्ट इसके लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद इसको क्लिक करके दोबारा से इसे अरेंज कर देंगे. और अब स्लाइड शो करके देखते हैं. सही है, तो ये देखिए मैशअप बन गया इस तरीके से आसानी से. मतलब जितनी वीडियोस आपको लगानी है लगा दें, उसके बाद कंपाइल करके एक वीडियो बना दें, सारी वीडियोस की एक वीडियो बन जाएगी मैशअप के जरिए. तो ये इसका एक तीसरा तरीका. ठीक है ना, थ्री वीडियोस को एक साथ कर दिया हमने, एक तरीका ये. अच्छा एक मिनट.